राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज की शुरुआत होती है पानी के गिलास के साथ। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा एक इंटेंशनली एक मैसेज जाता है आप सभी लोगों के लिए कि सुबह जब आप उठते हो तो एक गिलास गर्म पानी 12 के 12 महीने में पियो और आपको बहुत ही हेल्दी रहने में और लंबी उम्र करने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा, क्योंकि पानी हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। चलो अभी उठते हैं और थोड़ी साफ सफाई वगैरह करते हैं, क्योंकि सो ही रहे हैं भाई तब से। उठ, निकल यहाँ से, निकल, ये टाइम है कोई सोने का? हैं, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो ठीक है भाई, अभी मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूँ कि यार डेली ब्लॉगिंग में क्या क्या करा जाए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। तो आज का दिन हम डेडिकेट करेंगे एक चीज़ के लिए, जिस चीज़ पे हम थंबनेल बनाएंगे। तो वो है भाई हमारा जो कल झंडा था ना, उसको हम अपने छत पे लगाएंगे। तो मैं तुम्हें थोड़ी देर में दिखाता हूँ, पहले घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। खाना वगैरह हमने खा लिया है, और खाना रोज़ रोज़ दिखा के यार तुम्हें भूख की लगवानी। तो बाकी करते हैं अपना काम ख़त्म, उसके बाद लगाएंगे झंडा। और तुम्हें दिखाता हूँ मैं कितना प्यारा वो लगता है, क्योंकि कल दिखने से तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, दिखने से तो वो इतना प्यारा लग रहा था कि मैं उसकी शब्दों में बयान ना कर सकूँ, इतना प्यारा झंडा लग रहा था। चलो चलते हैं और पहले काम ख़त्म करते हैं, उसका झंडे लगाने की प्रक्रिया को करते हैं शुरू। तो मेरा भाई देख रहा है, फोन छेड़ रहा है, फोन छेड़ेगा? मेरे को लगा तू काम कर रहा है। काम कर, हाँ मैं धोखे पास लोग हैं भाई घर में। देखो फोन छेड़ रहा है और काम भी कर रहा है। माँ की सेवा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या करा है। तो ये जितने भी हैं, ये सब मैंने साफ करे हैं। मम्मी ने कुछ नहीं करा है इस पोछे से। अब चलते हैं ध्रुव चौहान के पास, ध्रुव चौहान ने क्या क्या करा है। बस इतनी सी लहसुन छिली, इतनी सी। नाम बता अपना, चल आज तेरा इंट्रोडक्शन होता है। ओए नाम बता, पूरा बोलना है। अच्छा ओके, मौसम देख सकते हैं आप कितना अच्छा हो रहा है आज, धूप वाला। तो अब थोड़ी देर धूप सेकते हैं और उसके नहीं नहीं यार, धूप धाप नहीं सेक रहे, पहले झंडा लगा रहे। तो कल प्रभु को हमने रख दिया था यहाँ पर, अब निकालते हैं इसे। तो पिछले साल 15 अगस्त में हमने इस जगह झंडा लगाया था, लेकिन ध्रुव कह रहा है कि इस जगह लगाओ तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, है ना? है भाई, हाँ ठीक है। हमारे मोहल्ले का संजय दत्त आता हुआ अभी नहीं लग रहा भाई, अच्छा जैसे तो चल रहा साले। चलो भाई चलो चलो, फटाफट लगा एवर साहब, रुक जाओ बैठने दो हमें। तो गाइस हमने झंडे का डंडा ले लिया, डंडा दिखाते वहाँ पे। तो अब चलते हैं भाई यहाँ से, और इससे पहले सेंट मेरीज तक गेट मार दें और उसके बाद झंडा लगाएंगे घर पे। और झंडा तो मैंने कहाँ लगाना है, दूसरी मंजिल पे भाई वो लगाते हैं। तो चलो अब चलते हैं। तो भाई ये भी ला दिए, इससे बांधेंगे झंडे को। तो चलो चलते हैं। हेलो गाइस, तो अभी हार्दिक आ गया है, हार्दिक बहल, इसे आपने भी सुहानी के व्लॉग में देखा होगा। तो भाई हम हार्दिक के साथ आ रखे हैं इधर, ये बाड़ाला में पड़ती है जगह। तो कभी आओगे तो क्या कौन सी रोड है यार, ये बारकोट रोड पे, ये आपको यहाँ पे रिजॉर्ट मिलेगा, फैमिली रिजॉर्ट है, बढ़िया लोकेशन पे है, रिवर साइड व्यू। हाँ लटके झटके मारो। तो हमें निक्की भाई मिला है, तो भाई आज भी हम खिचड़ी खा रहे हैं, तो इसको खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं थोड़ी देर। अब इसको खाएंगे और थोड़ा नेटफ्लिक्स एंड चिल करेंगे और सो जाएंगे, और फिर शाम को निकलेंगे बाहर। अपनी नज़र में अच्छे रहो, दुनिया का तो नज़रिया ही अलग है।
भाई कितना प्यारा लग रहा है अपना झंडा, कल धूप में दिखाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन है। तो बाकी अभी मम्मी बना रही है पकौड़ियाँ, पकौड़ियाँ क्यों बन रही है हमें नहीं पता, लेकिन बन रही है तो खाएंगे क्योंकि ठंडा भी हो रहा है। तो बस वो खाएंगे और ब्लॉग को करेंगे ख़त्म, और फिर अगले दिन एक और नई शुरुआत करेंगे ब्लॉगिंग की, क्योंकि अभी मैं 30 दिन के लिए तो कंटिन्यू ही रखूँगा, बीच में क्या ही बोलना। तो चलो पकौड़ियाँ खाते हैं और करते हैं अलविदा आज के दिन को। तुम पकवान तो आप ऐसे बनाता जैसे हलवाई होंगे एकदम ही। तो पापा लाए थे गांव से मक्खन, तो उसका बनाया अभी घी, और उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं खुशबू को वीडियो में डाल सकता नहीं, तो क्या ही हो जाता, आपको भी खुशबू से आप चकित हो जाते हैं। घी की खुशबू भी अजीब होती है भाई, अजीब नहीं मतलब बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ही ज़्यादा। ये जो व्लॉगिंग है ना, अकेले में बात करना सीख गया हूँ मैं, भगवान तो नहीं हूँ मैं। खैर ब्लॉग करते हैं ख़त्म, सी यू, सायोनारा, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्यार ही जिंदगी है।